Now students, question first, part 4. Solve the pair of linear equation by elimination method. इसको हम solve करेंगे. ध्यान से देखो, पहले ये जो linear equation दिया गया है fraction के form में है. पहले इसको हम simplify करेंगे. ये equation है x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1. अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है LCM लेने में. बेटा अगर ये बहुत आसान चीज होती है, नीचे जो डिनोमिनेटर होते हैं इसमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है. कहने का तात्पर्य होगा अगर HCF निकालेंगे तो दोनों को LCM निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना. तो हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक लाइन खींच लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. किसको? डिनोमिनेटर में 2, 3 जा 6, और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको इससे 3x और इसको किससे करेंगे, इससे करेंगे प्लस, बीच में प्लस था, 2, 2 जा 4y इक्वल टू माइनस. ये चीज समझ गए कि नहीं समझ पाए? ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका. कहीं एलसीएम भी लेना पड़ेगा, लेकिन इसका एलसीएम लिखो ना 2 और 3 का 6 ही आएगा, वैसे भी आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इक्वल टू माइनस 6, एंड इट इज अ इक्वेशन फर्स्ट. किसी को डाउट तो नहीं? अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई इसको यहां लिख लेंगे, x माइनस y बाय 3 इक्वल टू 3. अब यहां पर भी हमको ये फ्रैक्शन है अपान में 1, बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, बीच में माइनस है माइनस, 1 को y से करेंगे माइनस y इक्वल टू 3. नाउ यू मे राइट इट 3x माइनस y इक्वल टू 9, इट इज इक्वेशन सेकंड. दोनों इक्वेशन लिख लिया. अब इनमें चेक कीजिए क्या किसी का कोफिशियंट इक्वल है x का, देखिए जरा इक्वल है ना, है ना इक्वल, तो हमको किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, तो लिखने की आवश्यकता है, केवल लिखने की आवश्यकता है. पहले लिखेंगे 3x plus 4y is equal to minus 6, यहाँ लिखेंगे 3x minus y equal to 9, ठीक है ना. दोनों क्वेश्चन की, ये फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली, ऊपर नीचे हमने लिखे. अच्छा कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट को पहले लिखेंगे सेकंड को बाद में लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता. किसी को आप ऊपर लिख सकते हैं, फर्स्ट को भी ऊपर लिख सकते हैं और सेकंड को भी ऊपर लिख सकते हैं. कभी कभी लगता है पहले नंबर की हो तो ऊपर ही लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं. पक्का है ना, किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, जब कोफिशियंट बराबर है तो क्यों फालतू में करेंगे, ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो सकता है ना. सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं कि नहीं, चेंज करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा. अच्छा साइन वही नंबर नीचे नहीं लिखता, उसके पहले, ठीक है ना, समझने में आसानी रहे. ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये 4y प्लस y 5y होगा, माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, y इक्वल टू माइनस 15 बाई 5, y इक्वल टू माइनस 3, करेक्ट है, चेक करो y इक्वल टू माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, पक्का है, चलिए पक्का है तो चलिए. अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू माइनस 3 कहाँ, पहले में रखेंगे दूसरे में रखेंगे, अभी पहले में ये है आपका फर्स्ट, ये वाला है दूसरे में, दूसरे में रख लो भाई, वो करें दूसरे में रख दीजिए, लो करें दूसरे में से रख दीजिए, आइए दूसरे में रख देते हैं. 3x माइनस y इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस 3, चेक करना बेटा है सिस्टमेटिक, दो दो माइनस हो गए, एक माइनस तो क्वेश्चन का है, एक माइनस 3, दिस इंप्लाइज 3x प्लस 9 प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू इधर ट्रांसफर होकर के जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2, ठीक है ना, x तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू माइनस 3 आ गई, आंसर तो लिख ही लेंगे आप, सॉल्यूशन लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, या सॉरी आंसर,
x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, चेक करना।